झांसी के थाना मऊरानीपुर के कस्बा रानीपुर के मोहल्ला लाडगंज में शादी के 3 दिन पहले रात्रि में तेल चढ़ने के बाद शौचक्रिया के बहाने लड़की प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। पुलिस चौकी व मऊरानीपुर थाने में दिया प्रार्थना पत्र। लड़की के पिता रामगोपाल कुशवाहा ने व उनकी पत्नी पार्वती ने बताया, लड़की की शादी मऊरानीपुर निवासी उमाकांत कुशवाहा के साथ हुई थी। संबंध जब 20 जून की निकली थी शादी, तो 18 तारीख को तेल चढ़ने की रस्म होने के बाद लड़की शौचक्रिया के बहाने अपने प्रेमी के साथ उनके अन्य दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गई, जिसका शादी के दिन 20 जून तक भी पता नहीं चल सका। काफी ढूंढने के बाद जब पुलिस चौकी व मऊरानीपुर थाना में प्रार्थना पत्र दिया, पर पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई, न ही लड़की को ढूंढने का किया प्रयास। लड़की अपने साथ 42,000 नगद घर के जेवर ले गई है। पुलिस चौकी जाने पर पुलिस वाले झूठा आश्वासन देकर भगा देते हैं। नाम है आपका? देवेंद्र कुशवाहा। आप क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? हमारे यहाँ पर हमारी बच्ची भाग गई। आप बच्ची की कौन है? हम चाचा हैं उसकी। अच्छा, मतलब लड़का कहाँ का था, कौन था? लड़का है कुशवाहा, यहीं का है, बगल का। वो लेके भाग गया। आज हमारे यहाँ बारात आनी है और ये हो गया, वो बच्चा हमारी नकदी ले गया, बच्ची और जेवर ले गई हमारे, और लापता है, कुछ पता नहीं है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग का पूरा सामान आ गया है और बच्चे वाले दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर। लड़की का नाम है संजू, बच्ची का नाम है सुनीता, और लड़के के पिता का नाम? लड़के के पिता का नाम है विनोद। मोहल्ला? लालगंज। रानीपुर मऊरानीपुर जिला झांसी। शिकायत नहीं की आपने पुलिस? शिकायत की, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, मऊ की रानीपुर की कोई आई भी नहीं आया है। लड़की कब चली गई थी आपकी? लड़की यही थी हमारी 18 तारीख। 18 तारीख को किस टाइम पर गई थी? 18 तारीख रात 10 बजे गई थी। तो आप लोगों ने उस टाइम पे, मतलब घर में कौन कौन था? घर में ओनली बुआ थी, हमारी माता जी थी और हमारे फूफा जी थे और ये थी भाभी हमारी। तो आप लोगों को मतलब कि जैसे घर में सभी लोग मौजूद थे, तो वो किस प्रकार से लड़की निकल गई? वो लैटरिंग के बहाने चली गई, लैटरिंग के बहाने निकल गई। तो आपने पहले भी ढूंढा कहीं पे, देखा क्या? हमने ढूंढा और हमने रिपोर्ट दर्ज की थाने में, तो उन लोगों ने फिर कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो कल लाए थे और उसके माँ उसका भाई गाली दे रहा था, गाली बोला था, आपने ज्यादा लोग मतलब कार्रवाई की, आपको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे, उल्टी जान से मारने। हाँ, और बोले कि हम केस कर देंगे आपके ऊपर। किस चीज का केस करेंगे? आपकी बच्ची मेरी लड़के को लेके भाग गई, मतलब मेरी बच्ची उनकी लड़के को लेके भाग गई। अच्छा, उल्टा बोल रहे हैं? उल्टे बोल रहे थे। तो पुलिस आई थी चौकी से? नहीं आई पुलिस, एक बार आई, बात कर लाई, फिर आई नहीं पुलिस। इसने पैसा भर दिया, सुबह नहीं आए। उन लोगों ने पैसे भर दिए, अब हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारे साथ न्याय करें। मतलब आपकी लड़की को बरामद कराया? बरामद कराया हमारी लड़की को, और जो हमारा वो खर्चा है वो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए मेरा घर गिरवी रखा है, मेरे जेवर गिरवी रखे हैं, तो हम लोग क्या करें? अब यही है कि हम लोग एक आदमी से फांसी लगा के मर जाएं घर भर, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करे तो क्या करें हम लोग? कितना क्या ले गए वो लोग? वो लोग ले गए, हमारी बच्ची ले गई 80,000 रुपये, 42,000 रुपये नगद और जेवर ले गई।